अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अलकनंदा नदी के पास ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के कारण करंट लगने से आज 15 लोगों की मौत हो गई। चमोली के DSP प्रमोद साह के मुताबिक अब तक 15 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। घटनास्थल के पास एक लोहे की फेंसिंग थी जिसे वहां मौजूद लोग पकड़े हुए थे। अचानक उसमें करंट फैलने से सभी लोग उसकी जद में आ गए। मरने वालों में एक केयरटेकर भी शामिल है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला प्रशासन और SDRF की टीम रेस्क्यू के लिए वहां मौजूद है। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। मृतकों में एक सब इंस्पेक्टर व 3 होमगार्ड भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट साइट पर आज सुबह बिजली का तीसरा फेस डाउन हो गया था। इस फेस को दोबारा जोड़ते ही वहां करंट फैल गया। देखिए, ऐसा करंट फैला यार। अरे बोला जाता है भाई, वक्त होता है साला। ओए इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार। KMC कैंसर संस्थान, KMC हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम PET CT उचित शुल्क पर उपलब्ध है।